मुंबई के माहिम में एक होर्डिंग से करंट लगने के चलते 22 साल के एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन युवक की मौत के लिए जिम्मेदार बेस्ट प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक होर्डिंग बना, मौत की वजह करंट लगने से हुई युवक की मौत। मुंबई में होर्डिंग भी अब मौत की वजह बन रहे हैं। जी हाँ, माहिम के एलजे रोड स्थित माहिम दरगाह बस स्टॉप पर लगे एडवर्टाइजमेंट के एक होर्डिंग ने अब्दुल करीम नाम के युवक की जान ले ली। दरअसल बुधवार रात को होर्डिंग में करंट दौड़ रहा था, जिसके छूने से 22 साल के अब्दुल की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की मौत से अचानक लगे सदमे को मां सहन नहीं कर पा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। कार्रवाई नहीं करेंगे तो आज मेरा बच्चा गया था और दूसरे को अब्दुल की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने बस स्टॉप पर जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल माहिम पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उसके लाइट के अंदर से करंट बस स्टॉप में आया होगा और शायद कुछ शॉप लगा होगा, ऐसा प्राइमरी इंक्वायरी मालूम हो रहे हैं। उसके बारे में ऑफिस रजिस्टर किया हमने और पूछताछ चालू है। इस घटना से स्थानीय नगर सेवक भी काफी दुखी है। घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे एमएनएस के नगर सेवक वीरेंद्र तांडेल ने मामले को सदन में उठाने का भरोसा दिलाया है। जो भी होर्डिंग लगाते हैं और ये होर्डिंग लगाए जिसमे, इसको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से। बहरहाल इस पूरे मामले पर होर्डिंग का ठेका देने वाले बेस्ट प्रशासन ने चुप्पी साध ली है और कोई भी जवाब देने से इनकार किया है। 304A के खिलाफ जो है वो दखल कर दिया गया है और कार्रवाई जो है वो चल रही है। जर्नलिस्ट रेहान के साथ हमारी शहर की।